अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का ए देखने जा रहे हैं, यानी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 वाला है, ठीक है। एक सेकेंड, 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसमें 5 का ए हम लोग चल रहा है। आपको इसके पहले 4 करवा दिया गया, उसके पहले आपको पार्ट 1 में टोटल ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन किया गया, अच्छे से डिस्कस किया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी करवा दिया गया, 3 को सिर्फ छोड़ें क्योंकि उसमें थोड़ा सा लास्ट में फंस जा रहे हैं। तो 4 करवा दिया गया, 5 में अभी हम लोग चल रहे हैं। तो पहले इसको क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग अच्छे से। द चांस डैट डॉक्टर ए विल बी डायग्नोज ए डिजीज एक्स करेक्टली इज 60%। द चांस डैट ए पेशेंट विल डाई बाई दिस ट्रीटमेंट आफ्टर करेक्ट डायग्नोसिस इज 40%। एंड द चांस ऑफ डेथ बाई रॉन्ग डायग्नोसिस इज 70%। ए पेशेंट ऑफ ए डॉक्टर ए Who had disease X died? What is the chance that his disease was diagnosed is correctly? एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है ना क्वेश्चन कि ये कोई डॉक्टर है, ठीक है। वो क्या किया है कि एक डायग्नोसिस करता है जिसमें वो करेक्टली 60% कर पाता है, 60%। उसमें से 40% का जो पेशेंट है उसका क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। अभी कितना बचा, 40% बचा जो ठीक नहीं कर पाता है, ठीक है। मतलब कि 40% वो ठीक कर पाता है जिसमें 40% का 60% ठीक कर पाता है जिसमें 40% का डेथ हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जो 40% ठीक नहीं हुआ उसमें 70% पेशेंट का क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। यानी 60% में 40 जो ठीक हुआ उसमें 40%, और जो 40% है उसमें कितना हो रहा है जो ठीक नहीं हुआ, यानी होने की प्रोबेबिलिटी को ए बोलते हैं, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। तो यहाँ करेक्टली है तो इसको हम करेक्टली ठीक हुआ है तो सी से डिनोट कर देते हैं। किसे डिनोट कर देते हैं, सी से। तो सी करेक्ट होने की चांसेस, ये क्या हो गया, नहीं होने की, तो सी डैश हो गया। अब बोल रहा है ना कि वैसा बताओ जो करेक्टली हुआ था उसमें डेथ का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। जो करेक्टली ठीक हुआ था 60% में उसमें उसका डेथ होने का प्रोबेबिलिटी बताओ। तो हम जब दो चीज दिया रहता है, यानी हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या बोलते हैं, फेवरेबल बटा गिवेन, फेवरेबल बटा गिवेन। मतलब जिसको हमको निकालना है उसको ऊपर रखो और जिसको बाकी टोटल को क्या कर दो, नीचे कर दो। जिसको निकालना है उसको ऊपर और बाकी टोटल को नीचे। तो हमको निकालना क्या है कि करेक्टली में कितना परसेंट चांसेस था, 40% डेथ का चांसेस था, उसका प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है। तो उसका प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टली और प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका, डेथ, किस में, करेक्टली का, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टली इनटू डेथ का प्रोबेबिलिटी किस में, करेक्टली का, बटा टोटल गिवन की क्या क्या दिया हुआ है। तो ये तो पहला यही दिया हुआ था, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टली इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ इन करेक्टली प्लस करेक्टली कि जो नहीं था उसको हम किस से डिनोट कर रहे थे, सी डैश से डिनोट कर रहे थे। तो सी डैश है, इसमें कितना है उसका चांसेस, 70% चांसेस था। तो जो करेक्ट नहीं हुआ, करेक्ट नहीं हुआ उसमें कितना परसेंटेज चांस है उसका प्रोबेबिलिटी। तो गिवन क्या 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 दिया हुआ था, इसका 60% करेक्ट होने का चांसेस कितना था, 60%, यानी उसको 0.6 लिख सकते हैं। तो यहाँ हो गया 0.6 से इंटू डेथ कितना था उसमें, कितना परसेंट था, 0.4%। तो गुना कर देंगे बटा 0.6 इंटू 0.4, कितना परसेंट चांस नहीं था उसको, कितना परसेंट चांस था कि वो सही नहीं हुआ, तो 0.4, यानी 40% था 0.4। और उसमें कितना परसेंट चांस था डेथ का, था 0.7। यही कैलकुलेशन कीजिए, यही आंसर आ जाएगा किसका, 6/13 आ जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ इन करेक्टली 6/13, ठीक है। यही आपका क्या है, आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसी में पूछा हुआ था, स्टेट एक्सोमेटिक डिफिनीशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी। ये डिफिनीशन आप खुद से देख लीजिएगा गूगल वगैरह पे, क्योंकि मैथ में डिफिनीशन नहीं देखे। प्रूव डैट फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, ए एंड बी इवेंट्स दिया हुआ है, यानी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये होता क्या, पहले इस चीज को समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए एक बॉक्स है, यहाँ पे दो बॉल है, ए बॉल है बी बॉल है, ए बॉल और बी बॉल है। तो ए यूनियन बी की अगर बात करें, दोनों अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेकिन यही सेकेंड केस, फर्स्ट केस देख लिए, सेकेंड केस देखिए। सेकेंड केस में क्या हो जाएगा कि मान लीजिए क्या है, एक बॉक्स है,
ए बॉक्स में क्या है, ए है ए बी है, दोनों ओवरलैप यहाँ पे किया हुआ है, तो ओवरलैप के ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इजकल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस क्या हो जाएगा इंटर, जो ओवरलैप वाला एरिया है उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा बी, यही हो जाएगा ए यूनियन बी। इसी चीज को प्रूफ करना है, तो प्रूफ बहुत आसान है इसका, देखिएगा ध्यान से। चलिए इस एरिया को हम ना ने ऐसे कर देते, कलर से कर देते ताकि आपको देखने में आसान लगे, ये हो गया रेड कर दिए, कोई और कलर ले लेते मान लीजिए इसको ब्लू कर देते, ये हो गया बी वाला ब्लू हो गया, और जो इंटरसेक्शन बीच वाला है उसको हरा से कर देते, ठीक है, उसको क्या किससे कर देते, ये हरा से है, ये आपका हरा से हो गया जो ओवरलैप किया दोनों में है, ठीक है, ये जो हरा से हुआ ये दोनों में है, और ये ब्लू वाला है इधर रेड वाला है। तो अगर हम रेड वाला की एरिया को बात बोले, ए की इसको ए से डिनोट कर दिए, इसको बी से डिनोट कर दिए, जो हरा वाला है उसको किस से डिनोट कर दिए, सी से डिनोट कर दिए, ठीक है। तो अब सुनिएगा यहाँ पे, अगर हम ए की एरिया कितना होगा, तो ए की एरिया कितना होगा, अगर हम ए की लिखना चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखना चाहे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कप्लीमेंट, ए कप्लीमेंट क्या बताता है कि जो बी वाला पार्ट छोड़ के टोटल एरिया, ठीक है, तो टोटल एरिया रेड वाला एरिया कितना है, तो उसको हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी कप्लीमेंट, ठीक है, यूनियन। अच्छा ये हरा वाला एरिया उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं, यानी ए इंटरसेक्शन बी हो गया, और यूनियन बाहर इसकी बात करें, हम बी वाला में बात करें तो क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से। तो चलिए इसी को चीज को अगर हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं, देखिएगा ध्यान से, इसमें किन्हीं को दिक्कत नहीं ना हुआ, किसमें, ये जो कप्लीमेंट वाला लिखे, ये बता रहा है कि हमको कहाँ वाला, जिसमें सी बी कप्लीमेंट बता रहा है कि इसमें बी वाला जो एरिया आ रहा है उसको हटा के, ठीक है, जो बचा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया, फिर बीच वाला का क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बीच वाला को जो ओवरलैप है उसको हम लिखते ही है ए इंटरसेक्शन बी से, और ये बी वाला एरिया है उसको क्या लिखेंगे, जिसमें ए वाला एरिया ना हो, यानी सिर्फ क्या हो, बी वाला हो, यानी बी इंटरसेक्शन ए कप्लीमेंट, ठीक है। अच्छा इसको अब सेपरेट कर देते, सबको अलग अलग कर देते, तो पी ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, बी इंटरसेक्शन बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट, इसको हम नेमिंग किए थे, जो सिर्फ लाल वाला एरिया था उसको किससे नाम दिए थे, ए से, इसको किससे नाम दिए थे, बी से, इंटरसेक्शन वाला को सी से, तो हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी इजकल टू ए प्लस सी प्लस बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर क्या हो गया फर्स्ट। अब आते इसको फर्स्ट छोड़ दीजिए, अब हम एक LHS RHS करके कर रहे हैं ताकि एकदम इजी हो जाए, इतना में किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा तब समझिए क्लियर हो गया, क्योंकि आगे कुछ है नहीं। अब इधर हम LHS तरफ कर लिए, अब RHS तरफ, RHS तरफ क्या था, PA प्लस PB माइनस P इंटरसेक्शन B, तो देख लेंगे कि जब दोनों LHS RHS बराबर हो जाएगा, मतलब प्रूफ हो गया, तब हम RHS से चल रहे हैं। RHS में क्या दिया हुआ था, इधर देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ था, ये था आपका क्या LHS था, ये RHS था, तभी हम LHS का वैल्यू निकाल लिए। अब RHS का वैल्यू निकालते कितना आता है, अगर जितना LHS आया होगा उतना ही RHS आ जाएगा, मतलब हो गया। तो PA को कैसे लिखते हैं, अभी ना सिखा रहे थे कि A इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट लिखते हैं, और प्लस क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन, जो इंटरसेक्शन वहां पे है, टोटल एरिया की बात बोल रहा है ना, PA मतलब टोटल एरिया का, जिसमें इंटरसेक्शन वाला भी आ रहा हो, तो रेड वाला ये जो A दिया हुआ था ये, और प्लस कितना इंटरसेक्शन, तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ये कितना हो जाएगा, ये टोटल एरिया, दूसरा पेन से यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं, ब्लैक पेन से दिखेगा, ए वाला टोटल एरिया की बात कर रहा है, तो टोटल एरिया में कौन कौन काउंट हो जाएगा, ये रेड वाला भी है, ये हरा वाला भी, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं कि कहाँ गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी, ये हो गया किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के लिए, उसी तरह से किसके लिए लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के लिए, बी कम्प्लीमेंट, बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट प्लस पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और उसमें कौन वाला घटेगा, जो इंटरसेक्शन है दोनों में घट जाएगा, तब पी इंटरसेक्शन ए जो जैसे है वैसे ही छोड़ दिए, खाली पी ए का वैल्यू पी वी का वैल्यू लिख दिए, ए कोस्ट में पी ए का वैल्यू, इसमें हो गया पी वी का वैल्यू। अब आइए इसका, इसका क्या नाम दिए थे, ए नाम दिए थे, ए कम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का नाम ए दिए थे, इंटरसेक्शन वाला को ऐसे ही छोड़ दीजिए, बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट का नाम क्या दिए थे, बी मतलब उस एरिया को बी नाम दिए थे, और इंटरसेक्शन वाला को क्या दिए थे, सी, तो जहां जहां इंटरसेक्शन है वहां वहां सी रख देते हैं, तो ए को सी से ए को सी कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस कट जाएगा, यानी यहाँ पे पुट करने के बाद कटिए, पहले काटिए, तब क्या बचा, ए सी प्लस बी, यानी ए प्लस सी प्लस बी, इक्वेशन नंबर सेकेंड।
अच्छा आप देखते हैं दोनों में इक्वेशन फर्स्ट में देखते हैं तो RHS बराबर है और इसमें भी देखते हैं RHS बराबर है, तो इधर LHS और RHS क्या हो जाएगा बराबर, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से अगर देखते हैं तो A यूनियन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस A इंटरसेक्शन ऑफ B हो जाएगा, कोई दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में देखते हैं।